उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट वितरित किए जाने हैं। इसी को लेकर गुरुवार को मथुरा में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ में अधिकारियों से संवाद कर योजना के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मथुरा CDO के अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर राजेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी सतीश चंद दुबे नोडल अधिकारी के रूप में उपस्थित रहे। CDO डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि जिन छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और लैपटॉप दिए जाने हैं, उन्हें स्कूल कॉलेज से उनका डाटा कैसे अपलोड कर कलेक्ट किया जाए, इस बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शासन से दिशा निर्देश प्राप्त किए हैं। ये हायर एजुकेशन के बच्चों को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाने हैं, तो उसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी से कैसे डेटा को लॉक करना है और कैसे बच्चों को और मोबाइल के जो IMEI नंबर्स होते हैं उन्हें कैसे मैप करना है और कैसे बच्चों में कोर्स कंटेंट की एप्लीकेशन डाउनलोड करानी है, उसके संबंधित में प्रशिक्षण की एक VC हुई थी, जिसमें मेरे द्वारा ADM प्रशासन जो इसके नोडल हैं उनके द्वारा ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर DIOS और GM DIC द्वारा प्रतिभाग किया गया है। क्या उद्देश्य? हाँ, इसका उद्देश्य है कि जैसे कोविड टाइम में या अन्य परिस्थितियों में अगर ऑफलाइन क्लासेस नहीं होती हैं तो क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट को स्टूडेंट्स के घरों तक मोबाइल या टैबलेट के द्वारा पहुँचाया जा सके। इनसे हायर एजुकेशन वाले सभी विद्यार्थियों को फ़ायदा मिलेगा जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज में हैं।